सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रूपा सुयाल और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के एक सुंदर से गांव रामगढ़ से। दोस्तों, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और अभी मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो आज मैंने बहुत टाइम बाद सुबह सुबह व्लॉग भी डाल दिया है, क्योंकि 2 दिन से मैंने व्लॉग अपलोड नहीं करा था। तो सोचा, मैंने कल रात ही वो कर दिया था, मतलब डाल दिया था व्लॉग तो, लेकिन मैंने प्राइवेट किया हुआ था। मैंने सोचा कि सुबह को ही डालूंगी करके। तो जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ देख लीजिए व्लॉग भी, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना मेरे साथ। तो अभी आज मैंने आप लोगों को कल बताया था कि कल को चाचा का श्राद्ध है, तो आज हम लोगों के यहाँ बगल में बड़े वाले चाचा का श्राद्ध है। और सुबह सुबह फिर खाना पीना वगैरह बनाने के लिए जाना होता है, तो सुबह से दीदी लोग चाची लोग लगे हुए हैं। मैं तो लेट में जा रही हूँ, क्योंकि वेदू को भी देखना होता है, वेदू का भी काम करना होता है। और अभी हमारे यहाँ जो दूध लेके आते हैं वो भी नहीं आए हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं अपना काम वगैरह सब करके जाऊँगी। वहाँ तो काम करने वाले बहुत लोग हैं वैसे भी, तो अभी दूध का वेट कर रही हूँ। जब तक वो आते हैं तब तक यहीं रहती हूँ, और झाड़ू वगैरह मैंने कर लिया है, नहाना धोना भी हो गया है मेरा। तो फिर चलेंगे बगल में चाची के यहाँ, आप लोगों को भी ले चलेंगे वहाँ। अब हाय गाइस, हम क्या कर रहे हैं दिखाओ गाइस को। मम्मी क्या कर रही है? मैं ककड़ी खा रही हूँ। ककड़ी कद्दू कस कर रही है गाइस, इतनी कर ली है हमने। देखिए, इसका हम रायता बनाएंगे। ये है पीली ककड़ी, इसको हम कुछ इस तरीके से कद्दू कस करेंगे। और इसका एक्स्ट्रा यहाँ निकाला है गाइस को, दिखाओ यहाँ पे। ये देखिए गाइस, ये देखिए, ऊपर कैमरा करो, ऊपर करो कैमरा, खड़े हो जाओ। हाँ, यहाँ दिखाओ। और इसका पूरा रायता खाने के बाद दिखाऊंगी गाइस। बाय गाइस, ये कर दो, गुड गर्ल। वही लोग बताएंगे, वही बताएंगे, तो वही तो कह रही हूँ, वही बताएंगे जिन्होंने खाना होगा, मैं तो ना खाऊंगी ना। दोस्तों, दिन में के 11 बज गए हैं और अभी मैं चाची के वहां से आ गई हूँ। चाची के यहाँ पूरी वगैरह बनाई और अब उनके लिए खाना भेजना है दुकान के लिए, तो मैं यहाँ टिफिन लेने के लिए आई हूँ। अभी आधी पूरियाँ बनाई हैं, आधी पूरियाँ बना रहे हैं वो लोग। तो अभी मैं हितेश सुयाल को लगा के आई हूँ काम पे। तो हमारे यहाँ जब किसी का भी, मतलब चाचा लोग का श्राद्ध होता है, तो अपने फैमिली वाले नीचे वाले जो लोग हैं उनको भी चाची लोग बुलाते हैं। तो जो जो मतलब उनको बुलाते हैं उन सब लोगों को बुलाते हैं। तो हितेश आए हुए हैं, हितेश वहाँ हेल्प करने में लगे हैं थोड़ा बहुत। मैंने कहा मैं टिफ़िन ले आती हूँ, इनके हाथों खाना भेजूँगी, उसके बाद अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे हम लोग भागवत में। तो ले चलती हूँ आपको, दिखाती हूँ इन लोगों का काम। प्यारा है, आदमी का हाथ में बड़ा फर्क है। कितनी गोल बनाई है ये देखो, ये देखो, ये भटूरे बनाए हैं शायद, इस टाइप की सही लगते हैं ना भटूरे। लंबी पूरी पकती है, अच्छी है ना। क्या लेके आती हूँ कह रही? हम लोग खाने लग गए हैं खाना, आधे से ज्यादा लोगों ने खा लिया है। ये मैडम भी बैठी है मेरे साथ, मैं खा रही पूरी सब्जी और ये बड़ा। और तू किनारे लगे, हम लोग जाने लगे हैं मंदिर की तरफ को। और वेदू ने हमको, जब हम तैयार हो रहे थे, मुझे बहुत ज्यादा वो करे करा परेशान, बोला भी नहीं जा रहा है अब तो, पता नहीं क्या बोल रही हूँ अनसंड। तो इस लड़की ने मुझे कपड़े नहीं पहनाने दिए, और मैं ये वाला ड्रेस, कोई भी ड्रेस निकाल रही हूँ, मुझे ये पहनना ही नहीं है। जो इसको कल फ्रॉक पहनाई थी इसके बर्थडे वाली, बोल रही है वही पहना दो, और इतनी ज़बरदस्ती कर रही थी ये। ना इसने पैजामा पहनाने दिया, और लास्ट में इसने मेरी सेल्फी स्टिक पकड़ी और इसमें इसका हाथ दब गया। महानुभाव उसमें ही रोने लग गई। उदादी लोग पहुँच गए हैं मंदिर के सामने में, पीछे साइड मतलब। आज तो सबसे पहले हम लोग ही आए हैं, अभी तो व्यास जी भी नहीं बैठे हैं। प्रणाम।
समर्पयामि अक्षते आवाहनम् समर्पयामि आसनार्थे पुष्पम् समर्पयामि पाद्यार्थे पाद्यतलम् समर्पयामि हस्ते वर्गम् समर्पयामि त्रिपादोदत्तुरुहा पादोष्णीया भवद्भवतो विघ्नासनानसनेयवे साङ्गोपाङ्गिष्ठानम् समर्पयामि गन्धाक्षते सम्पूजयामि गन्धद्वारा दुरारक्षामि सुष्टाङ्गरीश्वरी ईश्वरी सर्वभूतानां ताम्योगमे श्रियम् धूपदीप नैवेद्यम् सम्पूजयामि Bye.
इसमें ये थोड़ी डालूंगी अपनी आवाज, उसमें तो गाना। तो हम लोग पहुंच गए हैं अपने घर के सामने में। पूजा खत्म होने के बाद थोड़ी देर हमने झोड़ा वगैरह गाया और अब हम कुछ ऐसे रास्तों से जा रहे हैं अपने घर जहाँ पूरा घास ही घास हो रखा है। ओहो, कल को बैठेंगे। मैंने इसको बोला था दोस्तों, मैंने इसको कहा था कि हम लोग वहाँ मंदिर में जा रहे हैं, तू कौन से झूले में झूलेगी। ये मुझे तैयार नहीं करने दे रही थी ना उस समय, तो मैं इसको मस्का लगा रही थी। मैंने कहा झूला झूलेगी, हाँ कौन से वाले में झूलेगी। इसको याद आ गई कि हमने झूला नहीं झूला, और वैसे शैतानी करने के लिए इतनी ज़्यादा शैतानी करी थी ये, है गंदी बच्ची। दोस्तों शाम के 7 बज चुके हैं और घर आने के बाद मैंने कपड़े वगैरह चेंज करे, उसके बाद चाची के यहाँ गई थी। तो पिछले 2-3 ब्लॉग से पहले शायद मैंने आप लोगों को दिखाया होगा, चाची की खेत में हरी सब्जी हुई थी। तो चाची बोली थी मेरे को, तो डॉक्टर ने बताया भी है हरी सब्जी खाने के लिए, उन्होंने बोला मैं तो जा नहीं सकती हूँ खेत में क्योंकि उनके कहने तो चला भी नहीं जा रहे, वो ऐसे ऐसे मतलब आराम आराम से ऐसे चल रही है, तो हरी सब्जी तोड़ने के लिए बोला। अभी मैं वहाँ हरी सब्जी बना के आ गई हूँ, अब जो है मैं अपने वहाँ खाना बना रही हूँ। और अपने यहाँ क्या बना रही हूँ मैं, लौकी। इससे मेरे को लगता है मैं इसी में रह जाऊँगी, लौकी कद्दू और तुरई में। मन ही नहीं है मेरा इन सब चीज़ों को खाने का, करूँ क्या, ये लेके आ रहे हैं। और 60 रुपये किलो चल रही है यहाँ, 50-60 रुपये किलो लगा लो। हम तो चलो ये भटेलिया से लेके आए थे, कुछ भी हो जाए हमने खरीद के ही खाना है सब कुछ, क्योंकि मैं लगाने से रही। मैंने इतनी मेहनत से कद्दू के पेड़ लगाए थे वहाँ बाड़े में, और वो एक साथ एक ढेर हो गए थे, मतलब 3-4 डाले मैंने बीज, वो सब हो गए और एक साथ ही सूख भी गए, क्योंकि पिछली बार तक पीले कद्दू भी बहुत हुआ करते थे वहाँ मेरे बाड़े में ना। अब एक लास्ट ककड़ी का पेड़ बचा है, देखती हूँ उसमें ककड़ी होती नहीं होती है। लेकिन ये लौकी वगैरह का तो मुझे इतना नहीं पता था कि इतने ज़्यादा रेट होगी, मतलब ये लौकियों के भी 60 रुपये किलो यहाँ ठहरा, बहुत ही भयंकर। और भी लौकी जैसी सब्जी। तो आप लोगों से भी मैं क्या क्या बातें कर रही हूँ। तो अभी मैंने जो है ये खाना बनाने के बाद फिर चाची के यहाँ दोबारा जाना हुआ, वहाँ भी आटा वगैरह गूंदूंगी, रोटी बनाऊंगी, क्योंकि चाची की मम्मी के कहने तो होता नहीं है उतना ज़्यादा आटा गूंथना हुआ, उनके कहने गूंथा नहीं जाता है, और रोटियाँ भी बहुत बनानी होती है, तो चाची को भी मना करा है डॉक्टर ने, इसलिए मेरे को ही बनाने जाना पड़ेगा। पहले अपने यहाँ का काम करके जाती हूँ, उसके बाद जाऊँगी चाची के वहाँ, फिर मिल लूँगी आप लोगों से शाम को, रात को, सॉरी।